लेबनान में लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खौफ खाने लगे हैं। कब कौन सा डिवाइस बम की तरह फट जाए किसी को नहीं पता। 17 सितंबर को लेबनान में करीब 3000 पेजर में धमाके हुए। इसके बाद 18 सितंबर को देश में धमाकों की एक और लहर आ गई। इस दिन सोलर उपकरण और वॉकी टॉकी में धमाके हुए। अब जरा ये तस्वीर भी देखिए, जनाजा निकल रहा था और उसी बीच धमाका हो गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इन हमलों के पीछे इजराइल का हाथ है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक ये हमले मुख्य तौर पर लेबनान के संगठन हिजबुल्ला को निशाना बनाने के लिए किए गए हैं, लेकिन इनमें आम लोगों के मरने की भी खबर है। इस बीच 18 सितंबर को इजरायली सैनिकों से बात करते हुए इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, हम युद्ध के एक नए चरण की शुरुआत में हैं। इसके लिए साहस, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने विस्फोटक डिवाइस का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन इजरायल की सेना और सुरक्षा एजेंसियों के काम की तारीफ करते हुए कहा कि नतीजे बहुत प्रभावशाली हैं। उधर हिजबुल्ला इजरायल को कठोर सजा देने की धमकी दे चुका है। उसने इजरायली ठिकानों पर रॉकेट से हमला किए जाने की बात भी कही है। अब जरा ये देखिए कि लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर किस कदर खौफ है। बात पेजर से हुए हमलों की करें तो न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इसके पीछे इजरायल की स्पाई एजेंसी मोसाद का हाथ था। इन सूत्रों ने दावा किया कि इसराइल ने हिजबुल्ला को पेजर सप्लाई होने से पहले ही उनमें विस्फोटक लगा दिए थे। बताया गया है कि जब इन पेजर पर एक कोडेड मैसेज भेजा गया तो पेजर धमाके के साथ फट गए। ये वो डिवाइस थे जिनको टेक्स्ट मैसेज और अलर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अब सवाल उठता है कि स्मार्टफोन के जमाने में लेबनान में पेजर का इस्तेमाल क्यों हो रहा था। तो इसके पीछे की कहानी ये थी कि हिजबुल्ला ने अपने सदस्यों और समर्थकों को चेतावनी दी थी कि उनके फोन इजरायली जासूसों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, उन्हें या तो तोड़ देना चाहिए, दफन कर देना चाहिए या फिर लोहे के बक्से में बंद कर देना चाहिए। इस चेतावनी के साथ ही हिजबुल्ला ने अपने सदस्यों को पेजर बांटने का विकल्प चुना, लड़ाकों से लेकर इसकी राहत सेवाओं में काम करने वाले डॉक्टरों तक। फिलहाल इसराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्ला के बीच तनाव और गहराने की आशंका बनी हुई है। गजा में युद्ध छिड़ने के बाद ये दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर सीमा पार हमले कर रहे हैं।